हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन बी प्लस ट्री। ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। सो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। Consider a B plus tree with key size 10 byte, block size 512 byte, data pointer is of size 8 byte, block pointer is of size 5 bytes. What is the order of leaf and non-leaf node in B plus tree? तो देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है इन बी ट्री। और बी ट्री में हम जब ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना चाहे वो लीफ नोड है नॉन लीफ नोड है, सेम ही रहता है ऑर्डर। और ऑर्डर होता क्या है उस केस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉसिबल, या आप कह सकते हो एक नोड के अंदर हम क्या कुछ डाल रहे हैं, ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं, कीज कितनी है, डेटा पॉइंटर्स कितने हैं, ये एक्चुअल में एक ऑर्डर जो है वो कहलाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें ना बी प्लस ट्री का, तो बी प्लस ट्री का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द बी ट्री, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। और अगर आपने वो क्वेश्चन चेक करना है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बी ट्री वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें। और इवन अगर आप बी प्लस ट्री का स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहते हैं, लाइक कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बी ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है डिफरेंस के ऊपर, मतलब बी और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ अ लीफ एंड नॉन लीफ नोड। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लीफ नोड की। तो नॉन लीफ नोड का मतलब क्या है, इंटरनल नोड। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा ट्री है, तो इस ट्री में ऑब्वियसली आपको पता है कि लीफ नोड्स कौन सी हैं, ये वाली, और नॉन लीफ नोड कौन सी है, रूट एंड इंटरनल नोड। तो चाहे रूट हो चाहे इंटरनल नोड हो, उस केस में हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर उस केस में क्या बनेगा, पहले आपको स्ट्रक्चर का पता लगना चाहिए कि नॉन लीफ नोड में होता क्या है, एक नोड के अंदर क्या होता है। तो देखो, नॉन लीफ के अंदर हर एक नोड में हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले होता है ब्लॉक पॉइंटर, फिर हमारे पास होती है की, फिर ब्लॉक पॉइंटर, फिर होती है की, उसके बाद फिर ब्लॉक पॉइंटर, फिर होती है की, और मतलब इस तरीके से आपका जो है वो चलता है, और फाइनली में फिर क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर, मतलब ब्लॉक पॉइंटर की, ब्लॉक पॉइंटर की, इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होती है इंटरनल नोड की इन बी प्लस ट्री। तो यहां पे क्या नहीं आया, यहां पे डेटा पॉइंटर नहीं होता, यहां पे हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर जो नीचे वाले चिल्ड्रन को पॉइंट आउट करते हैं, और की मतलब जिसके बेसिस पे हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज योर की। तो ये अगर हमारे पास जो है ऑर्डर है, तो इसको हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं, या एक्चुअल में हमारे पास जो नोड है नोड के अंदर है क्या। तो इस केस में ऑर्डर आपका क्या बनता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि जितने ब्लॉक पॉइंटर्स होंगे उतने ही वो क्या कर रहे हैं, अपने चिल्ड्रन को डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में ऑर्डर है किसका, इंटरनल नोड का या नॉन लीफ नोड का बी प्लस ट्री के केस में। तो देखो, अगर हम सपोज कर रहे हैं, लेट्स से देयर आर एन नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स, तो क्या इक्वेशन बनेगी, एन नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स है, तो यानी हर एक ब्लॉक पॉइंटर का कितना साइज है, ऑब्वियसली उतना टोटल स्पेस ये एक्वायर करेगा, प्लस ब्लॉक पॉइंटर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, कीज, और कीज कितनी है, एन माइनस वन। कैसे, अगर हमारे पास लेट से तीन ब्लॉक पॉइंटर्स हैं, ब्लॉक पॉइंटर वन की होगी, ब्लॉक पॉइंटर टू की, एंड ब्लॉक पॉइंटर थ्री। तो देखो, की के इधर भी ब्लॉक पॉइंटर, इधर भी ब्लॉक पॉइंटर, इस की के इधर भी ब्लॉक पॉइंटर, इधर भी ब्लॉक पॉइंटर, जो आगे अपने चिल्ड्रन को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखो, ऑर्डर ऑफ अ इंटरनल नोड क्या बन गया, नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स मतलब कितने हो गए, थ्री, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थ्री, या फिर आप क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ कीज कितनी हुई, एन माइनस वन, मतलब जितने ब्लॉक पॉइंटर है उनसे एक कम। तो इक्वेशन क्या बन गई, एन नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स, तो हर एक ब्लॉक पॉइंटर का साइज जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना स्पेस ब्लॉक पॉइंटर लेंगे, n माइनस वन नंबर ऑफ कीज, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे की के साइज से, तो उतना कीज जो है वो स्पेस एक्वायर करेंगी। तो ये टोटल जो है वो किससे लेस देन होना चाहिए, ये टोटल लेस देन होना चाहिए ब्लॉक के साइज से, मतलब एक नोड का जो साइज है वो लेस देन इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। बस अब इस इक्वेशन में क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो फटाफट से वैल्यूज पुट करते हैं। तो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स हमारे पास एन है, और हर एक का साइज कितना है, फाइव, प्लस एन माइनस वन, हर एक की का साइज है 10, एंड लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, व्हाट इज द ब्लॉक साइज,
512, तो ये क्या बन गया 5n plus 10n minus 10 less than equal to 512, which can be written as 15n less than equal to 10, उधर चला गया 522 हो गया, so n is less than equal to 522 divided by 15, जिसको आप क्या लिख सकते हो 34.8, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे 34 block pointers आपके पूरे फिट होंगे, लेकिन 35th वाला जो होगा वो पूरा नहीं आएगा, क्योंकि देखो 35th वाला कुछ पोर्शन रह जाएगा, तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम कितने ब्लॉक पॉइंटर्स पॉसिबल हैं 34, तो ऑर्डर कितना आया इंटरनल नोड का या नॉन लीफ नोड का ऑर्डर क्या आया 34, मैक्सिमम नहीं लेना, इसको फ्लोर वैल्यू लेनी है ना कि इसकी सीलिंग वैल्यू, क्योंकि 35th वाला तो पूरा आएगा ही ना, उसके लिए स्पेस बचेगा ही नहीं, तो आप कह सकते हो मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हैं 34, मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने पॉसिबल है 34, दैट इज अ नॉन लीफ नोड का ऑर्डर या इंटरनल नोड या फिर रूट नोड का ऑर्डर। अब हम बात करें यहां पे लीफ नोड की, तो लीफ नोड में बी प्लस ट्री के केस में लीफ नोड में क्या होता है, लीफ नोड में हमारे पास होता है सबसे पहले की, और की के साथ हमारे पास होता है डेटा पॉइंटर, फिर हमारे पास क्या होता है की के साथ होता है डेटा पॉइंटर, फिर हमारे साथ क्या होता है की के साथ क्या होता है डेटा पॉइंटर, जो उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेटा है जो मेमोरी में पड़ा है उसको पॉइंट आउट करता है, और फाइनली में लास्ट में हमारे पास क्या होता है ब्लॉक पॉइंटर, जो नेक्स्ट नोड को क्या करता है पॉइंट करता है, मतलब लिंक लिस्ट की तरह काम करता है, तो नेक्स्ट वाली जो नोड होगी उस नोड को पॉइंट आउट करेगा, ये जो लास्ट में हमारे पास क्या होगा एक ब्लॉक पॉइंटर होगा, तो ये लास्ट वाला जो ब्लॉक पॉइंटर एक है वो नेक्स्ट वाले को डिनोट कर रहा है, तो बाकी के केसेस में कोई ब्लॉक पॉइंटर नहीं है, क्योंकि लीफ के केस में ब्लॉक पॉइंटर का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि लीफ के आगे जो है वो चिल्ड्रन होंगे ही नहीं, क्योंकि लीफ अपने आप में क्या है लास्ट वैल्यू है, तो उसका आगे कोई चिल्ड्रन होगा ही नहीं, तो ब्लॉक पॉइंटर का यहां पे कोई यूज नहीं है, लेकिन एक ब्लॉक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट लीफ को क्या करेगा पॉइंट आउट करेगा एक लिंक लिस्ट की तरह। तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है एज कंपेयर टू द इंटरनल नोड के स्ट्रक्चर में, तो इस केस में आप ऑर्डर ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, क्योंकि इस केस में तो ब्लॉक पॉइंटर है ही नहीं, एक ही ब्लॉक पॉइंटर है, तो इस केस में मतलब लीफ नोड के केस में ऑर्डर ऑफ अ बी प्लस ट्री क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ की एंड डेटा पॉइंटर पेयर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ की एंड डेटा पॉइंटर पेयर इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ लीफ नोड इन केस ऑफ बी प्लस ट्री, तो लीफ के केस में कितने की और डेटा पॉइंटर होंगे वो आपका जो है वो ऑर्डर बन जाएगा। तो लेट्स से अगर हम लेट्स से कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ कीज एंड ऑब्वियसली जितनी कीज होंगी उतने क्या होंगे डेटा पॉइंटर, क्योंकि हर एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेटा पॉइंटर होगा जो डेटा को पॉइंट कर रहा है, तो एक्स नंबर ऑफ कीज है तो कितने होंगे डेटा पॉइंटर, एक्स नंबर ऑफ ही डेटा पॉइंटर्स होंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो एक्स नंबर ऑफ कीज है तो एक्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंटर्स है किसमें लीफ नोड में, और कितने ब्लॉक पॉइंटर्स है सिर्फ एक ब्लॉक पॉइंटर है, हर एक नोड की बात करें तो एक सिंगल नोड में लीफ नोड के केस में क्या आएगा नंबर ऑफ की एंड डेटा पॉइंटर्स हैं, तो लेट्स से एक्स नंबर ऑफ की एंड डेटा पॉइंटर्स हैं प्लस फाइनल में मेरे पास क्या है लास्ट में ब्लॉक पॉइंटर, तो ये इक्वेशन बन गई। तो इस ब्लॉक का साइज जो है वो किससे कम होना चाहिए, जो हमारे पास ब्लॉक साइज जो है वो दिया होगा, तो बस वैल्यूज पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आई यहां पे, की का साइज कितना दिया हुआ है 10, डेटा पॉइंटर कितना दिया हुआ है 8, ब्लॉक पॉइंटर कितना दिया हुआ है 5 लेस देन इक्वल टू 512, दैट इज योर ब्लॉक साइज, तो ये बन गया 18x लेस देन इक्वल टू 5 उधर चला गया तो ये 507 बन गया, एंड x इज इक्वल टू x इज लेस देन 507 डिवाइड बाय 18, तो इसको आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग आएगी, 28 पॉइंट समथिंग आएगी, एक्चुअल में ये वैल्यू 28.2 या जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब 28 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि कितनी कीज और कितने डेटा पॉइंटर्स पॉसिबल है 28, क्योंकि 29th वाला फुली फिट नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ अ लीफ नोड कितना आया 28, तो लीफ नोड का ऑर्डर जो है वो 28 आ रहा है, क्योंकि इसमें कीज है डेटा पॉइंटर और फाइनल में क्या है ब्लॉक पॉइंटर, एंड ऑर्डर ऑफ अ नॉन लीफ नोड क्या आया 34, तो नॉन लीफ का ऑर्डर क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर पॉसिबल, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ लीफ नोड इन बी प्लस ट्री की वैल्यू पेयर, मतलब की डेटा पॉइंटर पेयर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ लीफ नोड, तो इस तरीके से आप जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ऑल्दो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकली आपको इस तरीके की वैल्यूज दी हो सकती हैं, तो ये गेट नेट के एग्जाम में इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी
पॉपुलर है इस टाइप का क्वेश्चन। थैंक यू।